हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंग्लिश ग्रामर सीखने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है क्लॉज। तो देखो, क्लॉज के कितने टाइप्स होते हैं। नॉर्मली दो है, मेन क्लॉज एंड सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबसे पहले देखेंगे मेन क्लॉज क्या होता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। ठीक है, तो ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। चलो, ही सेड दैट ही Wanted to go there. Okay, तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पे दो सेंटेंसेस दिए हैं। He said he wanted to go there. बराबर, तो दो सेंटेंसेस दिए हैं। यहां पे दो सेंटेंस दिए, इसीलिए मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा। अभी मेन क्लॉज क्या होगा, तो एक ऐसा सेंटेंस रहेगा जिसके बिना सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता है, मीनिंगफुल नहीं हो सकता है। ओके, सो जैसे कि यहां पे दिया ही सेड, ये हो गया हमारे लिए मेन क्लॉज। क्या हो गया, मेन क्लॉज ही सेड। तो वैसे ही ये दूसरा जो है, ये एक है यहां पे, ऐसे दो सेंटेंस एक्स्ट्रा आ सकते हैं, थ्री सेंटेंस आ सकते हैं। मतलब मेन क्लॉज छोड़ के ऐसे सब ऑर्डिनेट, मतलब एक्स्ट्रा सेंटेंस जो है वो जितने चाहे आ सकते हैं। यहां पे एक दिया, तो ये हो जाएगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ही वांटेड टू गो देयर। बट आप देखोगे यहां पे दोनों सेंटेंस को, मतलब मेन क्लॉज और ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज, इनको ज्वाइन करने के लिए यहां पे यूज क्या हुआ है, That, मतलब कंजेक्शन वहां पे यूज होगा। तो कंजेक्शन क्या है, दैट। तो हमें देखने हैं दो काइंड्स, सबसे पहले मेन क्लॉज एंड सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो है यहां पे, मतलब एक्स्ट्रा सेंटेंस जो है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, उसके टाइप्स होते हैं तीन। कितने, तीन सब ऑर्डिनेट क्लॉज। पहला है नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा है एडवर्ब क्लॉज। ओके, तो सबसे पहले हमें जानना है कि ये तीनों क्लॉज किस तरह ढूंढेंगे, क्योंकि मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज तो आपको मिलेगा ही, बट सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन से टाइप का है ये ढूंढना जरूरी है। जैसे कि यहां पे देखो, दैट और डब्ल्यू एच वर्ड लिखा है, सो कंजेक्शन आप बोल सकते हो। कंजेक्शन के पहले देखो, प्लस वर्ब अगर आ रहा है, सो वर्ब के बाद में तुरंत कंजेक्शन आ रहा है, वो दैट हो सकता है। डब्ल्यू एच वर्ड में व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, ऐसे डब्ल्यू एच वर्ड्स आ सकते हैं। सो वर्ब के तुरंत बाद अगर कोई भी कंजेक्शन आ रहा है तो होगा नाउन क्लॉज। जैसे कि आपने ये एग्जांपल देखा, ही सेड दैट ही वांटेड टू गो देयर, दैट ये कंजेक्शन है। कंजेक्शन बहुत जरूरी हमें देखना है, कंजेक्शन से पहले क्या है, वर्ब। तो कंजेक्शन पहले वर्ब है, इसीलिए ये जो आगे जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज दिया है वो कौन से टाइप का बनेगा, नाउन क्लॉज। करेक्ट, तो नाउन क्लॉज कैसे जानेंगे, तो कंजेक्शन के पहले वर्ब या फिर वर्ब के तुरंत बाद कंजेक्शन आ रहा है तो वहां पे नाउन क्लॉज होगा। अभी हमें देखना है कौन सा, एडजेक्टिव क्लॉज। यस, तो देखो डब्ल्यू एच वर्ड और दैट यानी कंजेक्शन, अगेन कंजेक्शन के पहले नाउन आ रहा है या फिर नाउन के बाद कंजेक्शन आ रहा है, ऐसे ही बोल सकते हो आप, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। आगे हम एग्जांपल लेंगे तो आपको पता चलेगा, कंजेक्शन के पहले नाउन आ रहा है तो नाउन क्लॉज में कंजेक्शन के पहले क्या था, वर्ब। एडजेक्टिव क्लॉज में कंजेक्शन के पहले क्या है, नाउन। ठीक है, तो दो टाइप्स हो गए, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। रूल्स है ये आपके लिए सिंपली रिमेम्बर करने के लिए कि कौन सा क्लॉज कहां हो सकता है। और अभी थर्ड वन है एडोप क्लॉज, तो एडोप क्लॉज में बहुत सारे रूल्स है, आपको सब रिमेम्बर करने पड़ेंगे, रिवाइज करो तो आसानी से रिमेम्बर हो पाएंगे। तो एडोप क्लॉज के रीजंस है, टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर, पर्पस, कॉन्ट्रास्ट, ओके, और कंडीशन, रिजल्ट, कंपैरिजन, आप नोट डाउन कर सकते हो अपने बुक में। ठीक है, तो चलो वन बाय वन देखते हैं। तो एडोप क्लॉज ऑफ टाइम कब होगा, जब वहां पे सेंटेंस में व्हेन, टिल, अनटिल, आफ्टर, एज सून एज, व्हाइल, सिंस, नो सूनर, देन, हार्डली देन, ये कंजेक्शन की जगह पे दो सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए अगर वर्ड्स यूज होंगे सेंटेंस में तो एडोप क्लॉज ऑफ टाइम हो जाएगा। मतलब टाइम रिलेटेड वर्ड्स आएंगे तो एडोप क्लॉज ऑफ टाइम हो जाएगा।
प्लेस प्लेस शो करने वाले अगर वर्ड्स वहां पे आ गए वेरेवर, तो एडोप क्लॉज ऑफ प्लेस बन जाएगा। एडोप क्लॉज ऑफ रीजन कब बनेगा? बिकॉज, दैट, सीन्स, फॉर एज, और एज आ गया वहां पे, तो एडोप क्लॉज ऑफ रीजन बन सकता है। एडोप क्लॉज ऑफ मैनर कब बनेगा? एज आएगा तो यहां पे भी एज है, इधर भी एज है, तो आपको ठीक से देखना पड़ेगा कि सेंटेंस क्या मीनिंग दे रहा है, उस बेसिस पे आएगा। पर्पस, सो दैट, सच दैट, दैट, लिस्ट, ऐसे कुछ वर्ड्स है यहां पे जिससे हमें पता चलेगा कि एडोप क्लॉज ऑफ पर्पस रहेगा वो सेंटेंस, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट के लिए वर्ड्स आएंगे, दो, अल्दो, इवन, इफ, हाउएवर, ये कॉन्ट्रास्ट के लिए रहेंगे, तो इससे क्या बोलेंगे हम? एडोप क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ऐसे वर्ड्स आने पे तो देखने का सेंटेंस में कौन से वर्ड्स है दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए। कंडीशंस रहेगा तो क्या करेंगे? इफ, अनलेस, इफ नॉट, ये वर्ड्स आएंगे तो कंडीशन होगा। रिजल्ट्स के लिए क्या वर्ड्स होंगे? सो डैश दैट, सर्च डैश दैट, ओके। और कंपैरिजन के लिए आपको पता होना चाहिए डिग्री के रूल्स, एज, एज में फॉर्म होगा, सो एज में फॉर्म होगा, ईआर देन, मतलब ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ऐसे बोलते हैं ना वैसे, सो ईआर देन के फॉर्म्स हो सकते हैं, ईएसटी के फॉर्म हो सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं जो एडोप क्लॉज से रिलेटेड है, तो एडोप क्लॉज के रूल्स ज्यादा है ऐसा हम बोल सकते हैं, और मैक्सिमम क्लॉजेस एडोप क्लॉज में ही जाते हैं, ओके। नाउन क्लॉज देखो, एडजेक्टिव क्लॉज देखो, अगर वो दोनों नहीं आ रहे तो फाइनली वो एडोप क्लॉज ही बन जाएगा। सो मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस एडोप क्लॉज में ही जाते हैं। फिर भी हम देखेंगे सेंटेंसेस कैसे करने हैं, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे क्लॉज कौन सा रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें सेंटेंस देखने पड़ेंगे, राइट। तो चलो देखते हैं सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, सेंटेंस है आपके सामने। सेंटेंस नंबर वन, मिस्टर पांडे फाउंड दैट देयर वॉज वन प्रॉब्लम। तो सोचो यहां पे आप कंजक्शन ढूंढ सकते हो क्या? तो यस, दैट है। दैट के पहले जो सेंटेंस है ये नॉर्मल एक सेंटेंस बन जाएगा, और ये दूसरा, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना सेंटेंस पूरा नहीं हो पाएगा, जिसके बिना सेंटेंस का मीनिंग नहीं मिलेगा, वो होगा मेन क्लॉज। तो मिस्टर पांडे फाउंड, ये मेन क्लॉज होगा। देयर वॉज वन प्रॉब्लम, ये अनदर एक्स्ट्रा सेंटेंस है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगा, बराबर। तो चलो लिखते हैं मेन क्लॉज क्या रहेगा, मिस्टर पांडे फाउंड, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजक्शन से ले लो, दैट से, दैट देयर वॉज प्रॉब्लम, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। अभी सबऑर्डिनेट हो जाएगा बराबर, बट सबऑर्डिनेट में टाइप बंद है ना, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, तो ये कौन सा है? कंजक्शन के पहले क्या है? वर्ब, वर्ब और कंजक्शन, तो ये ऐसा रिलेशन हमें दिखाई देता है नाउन क्लॉज में, वर्ब एंड कंजक्शन, तो ये नाउन क्लॉज हो गया। ठीक है, देन सेकेंड, मिस्टर कदम प्रपोज दैट देयर शुड बी अ फुटबॉल मैच। तो यहां पे कंजक्शन क्या है? देखो दो सेंटेंस के बीच में आने वाला वर्ड दैट है, तो हमारा मेन क्लॉज क्या बन जाएगा? मिस्टर कदम प्रपोज, सबऑर्डिनेट क्लॉज आगे वाला आ जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजक्शन से तुरंत लेने का, दैट देयर शुड बी फुटबॉल मैच, और जिसे हम कहेंगे क्या? देखो दैट के पहले यानी कंजक्शन के पहले वर्ब है, ईडी लगा है ना, प्रपोज्ड, तो वर्ब एंड कंजक्शन, इसका मतलब ये भी नाउन क्लॉज बन जाएगा, ओके। अभी नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, दिस इज माय हाउस दैट माय ब्रदर बिल्ट,
दैट ये कंजंक्शन है, पहला सेंटेंस यहां तक है, दूसरा सेंटेंस यहां, मेन क्लॉज क्या है? दिस इज माई हाउस, बराबर सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है दैट से आगे, दैट माई ब्रदर बिल्ट, तो क्या होगा देखते हैं कौन सा क्लॉज होगा, दैट के पहले हाउस, हाउस ये नाउन है वर्ब नहीं है, नाउन के बाद कंजंक्शन ऐसा रिलेशन हमें दिखाई देता है एडजेक्टिव क्लॉज में, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, ठीक है आगे, ही क्राइड बिकॉज ही हैड वर्क सो हार्ड, सो बिकॉज देखो यहां पे, तो कंजंक्शन नॉर्मली नाउन के लिए और एडजेक्टिव क्लॉज के लिए दैट और डब्ल्यू एच वर्ड लेते हैं, यहां पे बिकॉज है तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये कौन सा होगा, तो ये एडवर्ब में जाएगा, देखो बिकॉज ने रीजन दिया है तो मेन क्लॉज क्या हो जाएगा, ये मेन क्लॉज क्या होगा, ही क्राइड सब ऑर्डिनेट क्लॉज, बिकॉज से आगे कंजंक्शन से आगे, बिकॉज ही हैड वर्क सो हार्ड, अब ये कौन सा बनेगा, रीजन है ना, एडअप क्लॉज में जाएगा क्योंकि ये तो नाउन नहीं है, क्योंकि डैट और डब्ल्यू एच वर्ड यहां पे नहीं है कंजंक्शन, तो ये नाउन क्लॉज नहीं बनेगा, एडजेक्टिव नहीं बनेगा, तो एडवर्ब बनना चाहिए ना, तो यहां लिखना पड़ेगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, रीजन बोलेंगे क्योंकि बिकॉज है यहां पर, ठीक है यस, आगे देखते हैं, ही लॉस्ट हिज फादर व्हेन ही वॉज वेरी यंग, ओके सो देखो यहां पे कंजंक्शन क्या है, व्हेन, व्हेन ये टाइम दर्शाने वाला वर्ड है, टाइम शोइंग वर्ड्स, टाइम में देखा है ना व्हेन, यस, तो ये भी एडवर्ब क्लॉज होगा, तो ये कंजंक्शन है तो इसके पहले का क्या आएगा, मेन क्लॉज, इसके बाद जो सेंटेंस है वो क्या बनेगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और फिर इसे हम बोलेंगे क्या, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ओके तो अभी आपको पता चला है मेन क्लॉज कौन सा रहेगा, तो यू कैन राइट दैट, आपको लिखना है सब ऑर्डिनेट क्लॉज और उसके बाद आएगा अपना टाइप जिसे हम कहेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ओके, प्लांटिंग इज बेटर देन फाइटिंग पीपल, तो देखो ईयर देन यहां पे, तो इससे हम कंपैरिजन बोलेंगे, एंडिंग वाला रूल है, देखो आप रिवाइज कर सकते हो, तो प्लांटिंग इज क्या होगा, मेन क्लॉज, बेटर देन फाइटिंग पीपल, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो बेटर देन है इसीलिए इसे कंपैरिजन बोलना पड़ेगा, एडअप क्लॉज और कंपैरिजन, तो आप यहां पे मेन क्लॉज लिखोगे, यहां पे सबऑर्डिनेट क्लॉज और यहां पे क्या लिखेंगे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, ओके ऐसे ही सिमिलर सेंटेंस है, मेन क्लॉज लिखने हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखने हैं और फिर टाइप्स ढूंढेंगे, ठीक है, तो चलो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, आप अपने बुक में अच्छे से राइट करना, ओके, इट ऑल एंडेड एज आई एक्सपेक्टेड, तो यहां पे एज ये वर्ड आएगा, ओके तो आपका पहला सेंटेंस बनेगा इट ऑल एंडेड, बराबर, और दूसरा होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज का एज आई एक्सपेक्टेड, ठीक है, तो मेन क्लॉज मिल गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज मिल गया, अभी टाइप एज दिया है तो एज कौन से कैटेगरी में जाएगा, वो देखो आई थिंक मैनर में दिया है, याद करना रूल, उसके बिना आप पता नहीं कर पाओगे कौन सा होगा, एडअप क्लॉज है ये तो पता चला, क्योंकि यहां पे ना दैट है ना डब्ल्यू एच वर्ड है, ना तो ये नाउन क्लॉज बनेगा ना ये एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा, तो एडअप क्लॉज ही बनना है, जस्ट आगे का जो टाइप है वो हमें पता नहीं था, तो वर्ड्स देखने के, याद करने के रूल्स और उस बेसिस पे बताने का, तो एज क्या है, मैनर,
ओके ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस, आई थिंक दैट यू कन्वीनियंस हर, तो यहाँ पे कंजक्शन क्या है दैट. तो भी ये सेंटेंस के लिए आप सोच सकते हो कि ये नाउन या फिर एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे दैट दिया है. दैट के पहले क्या है, थिंक, वर्ब, वर्ब और कंजक्शन, वर्ब और कंजक्शन. तो फिर हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, वर्ब और कंजक्शन है तो ये सेंटेंस नाउन क्लॉज हो जाएगा. बराबर, ये मेन क्लॉज है, आगे का सबसे सबऑर्डिनेट क्लॉज यहां से दैट से, और फिर इसका टाइप बनेगा नाउन क्लॉज जो यहां पे नीचे लिखना है. 1, 2, 3 आंसर्स. ठीक है, देन शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर. सो देखो कंपैरिजन दिया है मोर से आगे, मोर देन, तो इज तक ही आएगा अपना मेन क्लॉज शी इज, और मोर ब्यूटीफुल देन, इससे मोर से अलग सेंटेंस हो गया, सेकेंड सेंटेंस बन गया या फिर सेकेंड पार्ट हो गया सेंटेंस का, ऐसे आप बोल सकते हो. मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, सो देन यहाँ पे कंपैरिजन शो करता है. तो ये मेन क्लॉज इज सबऑर्डिनेट क्लॉज और नीचे आएगा एड अप क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, जैसे पहले लिखा था. ठीक है, अगेन सेंटेंस देन, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास. ओके, तो ये सेंटेंस में हमें ढूंढना है क्लॉज. ठीक है, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास. तो यहां पे मेन सेंटेंस क्या है, स्टडी हार्ड और पास, तो ये मेन सेंटेंस है यू विल पास पीछे. ओके, तो इफ यू स्टडी हार्ड ये कंडीशन वाला सेंटेंस है, तो मेन सेंटेंस यही पे यू विल पास. इफ वाला तो बाद में भी जा सकता है. ओके, जो इफ से जो अटैच्ड है, जिससे जिस सेंटेंस की स्टार्टिंग इफ से स्टार्ट हो रही है, तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट. तो बाकी ये क्या हो जाएगा, मेन क्लॉज. तो ये मेन क्लॉज यू विल पास, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा यू स्टडी हार्ड, एंड यहां पे इफ यानी कंडीशन होता है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं यहां पे क्या, एडअप क्लॉज ऑफ कंडीशन. ठीक है, देखो समझ में आ रहा है नहीं. आगे सेंटेंस आपको राइट करने, ठीक है. My sister got married when I was born. तो when देखो यहाँ पे वर्ड है और when से टाइम पता चलता है. बराबर, तो इसके पहले जो है वो है मेन क्लॉज, बाद में जो आया वो क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज. और when है यहाँ पे टाइम शोविंग वर्ड, इसलिए नीचे अपना टाइप आएगा एडो क्लॉज ऑफ टाइम. आई एम ऑनेस्ट दो आई एम पुअर, ऐसे सेंटेंस है. देखो यहां पे सेंटेंस में कंडीशन जो है वो है दो. ओके, तो ये पहला सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस, ये पहला जो है मेन क्लॉज, ये दो से आगे जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, तो टाइप ढूंढना है, दो है यानी वर्ड कौन सा आएगा एडोप क्लॉज का, कंट्रास्ट, कंट्रास्ट. सो यहां पे लिखना पड़ेगा एडोप क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट. तो आपको वर्ड्स देखने हैं, रिमेम्बर करने पड़ेंगे, तभी आप वहां पे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्लॉज कौन सा है. और अभी लास्ट वन, शी टूक देम इन टू द रूम वेयर द सेफ, सॉरी वेयर द सेफ वॉज. सो यहां पे कंजक्शन वेयर, वेयर है देखो वेयर, और उसके पहले वर्ब तो यहां पे नाउन दिया है. बराबर, तो इसे आप एडजेक्टिव बोल सकते हो क्योंकि नाउन और डब्ल्यू एच वर्ड आ गया है, या फिर वेयर ये प्लेस शो करने वाला वर्ड है, तो इसलिए एड अप क्लॉज ऑफ प्लेस, ऐसे भी आप बोल सकते हो. तो ये मेन क्लॉज इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, और वेयर है तो एडो क्लॉज ऑफ प्लेस हो सकता है. तो यहां पे 13 सेंटेंस जो है क्लॉजेस के लिए अपने कुछ सॉल्व किए, मैंने कुछ आपके लिए सॉल्व करने के लिए रखे हैं यहाँ पे. तो मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले ढूंढो और फिर टाइप्स बताओ. कभी भी क्वेश्चन पे बताते हैं कि अंडरलाइन करके देंगे, अंडरलाइन करके देंगे और बोलेंगे ओनली आइडेंटिफाई करो, तो वहां पे मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं लिखेंगे, जस्ट आइडेंटिफाई करना है, अंडरलाइन किया है तो ओनली वही आंसर लिखो जो लिखना है. मतलब क्या, एड अप क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट इतना ही आएगा अगर आइडेंटिफाई करना है तो, बाकी डिटेल की जरूरत नहीं है. फिर भी नॉर्मल सिचुएशन रहेगा तो आपको दोनों क्लॉजेस बताने हैं, एड अप क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, और उसका टाइप्स जो है वो बताना पड़ेगा. ठीक है, आई होप आपको सेंटेंस समझ में आए रहेंगे. आपको सेंटेंस ये अपने प्रैक्टिस में करने हैं, आप और भी एक्स्ट्रा सेंटेंस ले सकते हो अगर आपके पास कोई
बुक है ग्रामर की, तो वहां से ले सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में आपको मिले तो वो वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्लॉजेस। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, चलो मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।